एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीआरबी फोटो एंड वीडियो। तो दोस्तों, हमेशा मैं नए नए लिरिक्स वीडियो एडिटिंग लाता रहता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस इंस्टाग्राम रील्स के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो है जो बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब की होने वाली है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई इस तरह की वीडियो बनाकर बताओ किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, कैन मास्टर से ये बहुत ही आसान तरीके से आप है जो छोटे से वीडियो में साथ में मैं बताऊँगा पूरे आसान तरीके से आप है जो ऐसी वीडियो बना सकते हैं जैसा आपने प्रीव्यू में देखा। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। पूरा वीडियो आप कम्प्लीटली देख लेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा और आप ऐसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने फोटो साथ में या अपने कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ में आप ऐसी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी नए वीडियो की जानकारी आप लोगों तक मिल सके और आप ऐसी वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएँ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आऊँगा कैन मास्टर एप्लीकेशन पर, क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। 9.16 के रेजुलेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद में आपके मीडिया ब्राउजर ओपन हो जाएगा और सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिल स्क्रीन आप क्लिक कर देंगे। फिल स्क्रीन क्लिक करने के बाद में क्रॉस के आइकन पर क्लिक करेंगे और बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में आपको एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी ऑब्जेक्ट की आप फोटो बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मेरी खुद की वीडियो बना रहा हूँ तो मैं मेरी खुद की फोटो को है जो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी फोटो HD होनी चाहिए और क्रॉप में होनी चाहिए, फुल स्क्रीन होनी चाहिए। फुल स्क्रीन नहीं भी है तो आपने फिल स्क्रीन सिलेक्ट कर रखा है, फिल स्क्रीन हो जाएगी। आपको जितनी भी टाइम का वीडियो बनाना चाहते हैं वो टाइम ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है और बिगनेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बिगनेट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको ब्लैक शैडो आ जाएगा। यहाँ पर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे, सॉरी इफेक्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और बेसिक इफेक्ट पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पर सिलेक्ट करने के बाद ग्रेनिंग ब्लर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी फुल स्क्रीन आपको कर देनी है। करने के बाद जितनी आपकी फोटो है उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देना है, जितनी लेयर को कर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी लेयर को कर देना है। लेयर को करने के बाद में आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और इसकी सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके सेटिंग कर देना है। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप है जो मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर देंगे और आप एक टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो उसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला टेम्पलेट वीडियो इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको फिल स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ पर फिल स्क्रीन कर देते हैं। फिल स्क्रीन करने के बाद में यहाँ पर वीडियो पर टैप करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्रोमा की के ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रीन कलर को आपको सेलेक्ट करें। अगर आपके पास ग्रीन कलर नहीं है, गोल वाला आइकन पर आकर आप ग्रीन कलर बना सकते हैं। यहाँ पर इसको इनेबल कर देना और ग्रीन कलर है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर इसको है जो 15:5 रख देंगे और यहाँ पर इसको है जो आपको 45 या 35 तक रख देना है, ठीक है। इतना रखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है और इस वीडियो को आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट्स अगर आपका कोई रहेगा तो इसको है जो आपको ट्रिम कर देना है, ठीक है। इसके साउंड को भी म्यूट कर देना है और इसको है जो आपको मैं प्ले कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरीके से। तो हमारा एक कलर है जो रिमूव हो गया है और इसको है जो आपको एक्सपोर्ट करना है। जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स और परिवार के साथ में, ताकि और भी दोस्त हमारे हैं जो इस तरीके की वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएं व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या फिर है जो आप इंस्टाग्राम रील्स के लिए, तो आप ऐसी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। मेरे चैनल पर दोस्तों हमेशा नए नए वीडियो आते रहते हैं, तो आप इस वीडियो का लुत्फ़ उठाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है लाल कलर के बटन को दबाकर और पास में लगी घंटी को ऑन कर दीजिएगा। घंटी को ऑन करने से आपको क्या होगा कि आपकी वीडियो को जब भी कोई आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको बैक आ जाना है और इस वीडियो का सारे मटेरियल को रिमूव कर देना है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और लेयर एंड डुप्लीकेट कर देंगे। लेयर एंड डुप्लीकेट करने के बाद में इस वाले फोटो पर क्लिक करेंगे और इमेज के ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और आपको यहाँ पर ब्लैक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक इमेज है इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इसको भी फिल स्क्रीन आपको कर देना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और इसको फिल स्क्रीन कर देंगे। देन गाइस, फिल स्क्रीन करने के बाद में इस पर टैप करेंगे और क्रोमा की के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर है जो ब्लू कलर है इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्लू कलर को आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ब्लू कलर को रिमूव करने के बाद हमारी फोटो है जो आ जाएगी सामने, तो इसको सही से सेट कर देना है। सही से सेट करने के लिए आपको क्या करना है, फोटो पर टैप करेंगे, यहाँ पर वीडियो पर पहले वीडियो को सही से सेट कर देना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजिशन पर हम ले आते हैं और फिर है जो एंड पोजिशन है देख लेंगे और फिर है जो फोटो को कुछ इस तरीके से फ्रेम के हिसाब से आपको सेट कर देना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीचे हमारी फोटो का है जो एक्स्ट्रा पार्ट्स दिख रहा है, तो इसको आपको रिमूव करने के लिए क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, क्रॉपिंग के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो पहले हमको इसको एडजस्ट कर लेना है, तो फोटो पर टैप करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट पर आ जाएंगे
और यहाँ पर बिगनेट को थोड़ा सा है जो आपको माइनस कर देना है, यहाँ पर 10 तक माइनस कर देंगे और ये हमारा सही से सेट हो गया है। सही से सेट होने के बाद में आपको है जो फोटो पर टैप करेंगे, क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको है जो आपको सही से सेट कर देना है। ठीक है, तो हम है जो इसको सही से सेट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉपिंग के ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर टैप करेंगे और इसको मास्क को इनेबल कर देंगे और फेदर को है जो आपको पूरा पर आपको फ्रेम को है जो सही से सेट कर देना है। तो आपको फोटो को सही से सेट करके मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कितना शानदार वीडियो बनाए। फिर लेयर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और आपका जो भी सॉन्ग रहेगा, लिरिक्स सॉन्ग रहेगा, उस सॉन्ग को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सॉन्ग को सिलेक्ट करने के लिए आपको है जो जो भी सॉन्ग आपके पास रहेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ब्लैक स्क्रीन को या फिर व्हाइट स्क्रीन कोई भी सॉन्ग रहेगा उन सॉन्ग को है जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सॉन्ग को ढूंढ के सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये राजस्थानी सॉन्ग है, इसको है जो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सॉन्ग पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको है जो सॉन्ग का जो भी बैकग्राउंड होगा वो रिमूव हो जाएगा और सॉन्ग को यहाँ पर फ्रेम के नीचे ले आना है। फ्रेम के नीचे लाने के बाद में आपको है जो यहाँ पर सेट कर देना है इस तरीके से, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद में आपको है जो यहाँ पर आ जाना है और एक्स्ट्रा पार्ट्स रहेगा उसको आपको ट्रिम कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके देख देता हूँ कितना शानदार और कैसा वीडियो हमारा बनाए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम हैं जो इतनी मेहनत करके वीडियो लाते हैं और आप लोग लाइक में कंजूस करते हैं, आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस सॉन्ग का है जो बिगनेट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है ताकि ये ब्लैक नहीं दिखे। अगर आपका बैकग्राउंड कोई और रहेगा तो मतलब सॉन्ग और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपके सॉन्ग का लिरिक्स है जो पूरा कलर वाइट रहेगा तो और भी ज़्यादा रहेगा अच्छा, और बैकग्राउंड है जो आपको ब्लैक रखना है, सॉन्ग के लिरिक्स को है जो वाइट रखना है तो आप स्क्रीन कर सकते हैं। देन गाइस, से हमारा व्हाट्सअप स्टेटस है जो बनकर हो चुका है रेडी, तो आप भी ऐसी व्हाट्सअप स्टेटस या इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग कर सकते हैं अपने ही फोन से किन मास्टर से बहुत शानदार तरीके से। तो मैं मिलता हूँ किसी एक और नए वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।